हाँ करो। सॉरी, हाँ अभी फिर से बनाना क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन है ऐड टू, टू करो थम्स। टू लेस वन, अभी करना लेस वन, अभी लेस करो ऐड वन। वन अब करो ऐड वन, कितना हुआ? एड ठीक है, टू हुआ। टू हुआ तो खुद से कर लिया है कि पूछ के बता रहे हो? देखो देखो, ऐसे स्थिर रहते हैं, हिलते नहीं है ऐसा। देखो ऐड टू कैसे करेंगे, देखो इधर सामने, देखो सामने सामने, देखो इधर, देखो ऐड टू कैसे करेंगे, वन टू, ठीक है? लेस वन ऐसे करेंगे, एक डाउन करेंगे वन, ऐसा। तो कितना बीट रह गया ऊपर में? वन। फिर करना है ऐड वन, तो फिर से एक को ऊपर कर दिया तो कितना हो गया ऊपर में? टू बीट। तो आंसर इज टू, ठीक है? अभी तनिष्का करेगी, तनिष्का कहाँ गई? अनिष्का, अच्छा उसकी क्लास खत्म हो गई, ठीक है। रितिका करेगी, बताओ रितिका, चलो बताओ बता बता। क्वेश्चन है ऐड टू। वन टू हाँ लेस टू, लेस टू वन टू ऐड टू, वन टू फोर क्या हुआ? फोर क्या, कितना आंसर आया? कैसे और कैसे होगा? होगा? देखो ऐड टू हुआ वन टू, फिर लेस कर दिया टू, तो ये तो दोनों नीचे आ गया ना। लेस करने का मतलब क्या, डाउन। तो पहले हमने किया था ऐड टू वन टू, फिर हमने कर दिया लेस टू, मतलब दोनों को नीचे कर दिया, तो ऊपर तो कुछ नहीं रहा। नहीं, जीरो तो हो गया, उसके बाद भी टू ऐड किया है ना, तो फिर से दो बीट ऊपर चढ़ जाएगा, तो क्या आंसर होगा? तो कोई बात नहीं, ये अभी नहीं आता है। हाँ अभी इसको प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे घर पे तो नहीं आता है, ठीक है? तो अभी जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे घर पे प्रैक्टिस इसको डेली 15 मिनट कराना है, बुक लेकर के। मैन माइंड ही कॉन्शियस में रहता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ वो धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको टूल पे दिमाग बनवाना घूमते है। रहता है, पता ही नहीं चलता है। नहीं, जो नहीं आ रहा है ना उसको हाथ में टूल्स को दे देना है, सेम क्वेश्चन। जैसे अगर ये नहीं आया तभी हाथ में टूल दे देना है, ये टू करके दिखाओ, तो ये इसका इमेज बनता जाएगा, इमेज बनता जाएगा, वो होता जाएगा। अगर वर्बली नहीं आया, उसी क्वेश्चन को टूल से बनवाना है कि ऐड टू टूल में करो, तो ऐड टू किया, फिर लेस टू करेगी जब टूल पे, तो बीट पता चलेगा कि हाँ टू को ऐसे डाउन करना था, और फिर टूल्स दोबारा पे उसी। कर लेती है, हाँ तो धीरे धीरे टूल्स पे कर लेती है, लेकिन वही होता है कि वर्बली उसको दिमाग में मतलब इमेज ही नहीं रह पा रहा है कि मतलब क्या कर वो क्या किए हैं इसलिए क्या नहीं किए हैं। है, नहीं वो इसलिए है कि चंचल ज्यादा है, वो हिल डुल रही है ना, तो माइंड कंसंट्रेट नहीं हो रहा है। अभी जिसका माइंड कंसंट्रेट है वो बना ले रहा है, जैसे अभी निशिता नयन बना रही है, आव्या बना रही है, ये सौर्या हिल रहा है, ये भी हिल रही है, और ये तनिष्का हिल रही है ज्यादा। तो जो ज्यादा हिलेंगे वो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि तो माइंड को कंसंट्रेट करना है थोड़ा सा, तभी होता है किसी भी चीज में। ये भी अभी जो स्थिर होकर सुन रहा है वो बना ले रहा है। निश्ता ने बहुत बढ़िया बताया है, आव्या ने बहुत बढ़िया बताया है, इनको प्रैक्टिस कराना है घर पे डेली 15 मिनट। उसको पढ़ाई समझ के नहीं, इसको जैसे सो भी रहे हैं ना, तो जो लेटी लेटी भी कर सकती है, सोते टाइम भी आप क्वेश्चन बोल दो हाथ से, ऐसे करके सोते सोते भी बना सकती है, कैसे भी। इसको खेल खेल में बताना है, बर्डन नहीं देना, बर्डन देने से नहीं बनता है।
जो क्वेश्चन नहीं है उसको बार बार बीट पे बनवाना है, फिर उसी को बार बार हैंड मूवमेंट कराना है सेम क्वेश्चन को ही, जब तक क्लियर नहीं हो। ठीक है, तो ये ऐसे ही चलेगा। पेज नंबर 15 होमवर्क हो गया। अभी एक बार मैं पेज नंबर 16 भी बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन इसको होमवर्क के लिए दे दूंगा। ठीक है, 16 में 4 नंबर का है, तो आव्या बताएगी पहला क्वेश्चन। आव्या चलो, एड टू, एड टू, लेस वन, लेस वन, एड वन, एड टू, एड टू, दैट इज फोर। फोर, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बनाना है सभी को। अभी बताएगी निशिता, दोनों हाथ ऊपर रखो निशिता, दोनों हाथ से। अभी हाथ एक ही चलेगा लेकिन बाद में दोनों हाथ चलेगा, इसलिए दोनों हाथ से ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसे दोनों हाथ, बोथ हैंड निशिता। अभी राइट हैंड का ही यूज करना है, लेफ्ट हैंड का यूज बाद में होगा, इसलिए दोनों हाथ को ही रखना है। निशिता एड वन, एड वन, एड टू, लेस थ्री, थ्री लेस करना है, लेस थ्री। क्या आंसर होगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताओ जितना आता है उतना बताओ। कितना बना? कौन बताएगा? रितिका बताएगी क्या बनाई थी? चलो फिर से बोलता हूँ एक बार क्वेश्चन, फिर से ध्यान दो। चलो फिर से, एड वन, फिर से एड वन, कितना हो गया? टू बीट ऊपर चला गया। ठीक, उसके बाद एड टू, एड टू, फिर से टू बीट ऊपर करेंगे तो कितना बीट गया? कितना बीट गया है अभी तक? फोर बीट गया ना, अभी तक फोर बीट गया है। ठीक है, अभी लेस थ्री करना है, तो हमारे पास ऊपर में फोर बीट था, उसको उसमें से लेस थ्री कर देंगे, मतलब थ्री को डाउन कर देंगे, वन टू थ्री। ठीक, तो कितना बीट ऊपर रह जाएगा? वन, वन रहेगा ना, वेरी गुड। चलो अभी सौर्या, सौर्या अभी बताना है। ठीक है, चलो एड फोर सौर्या। सुनो, लोअर बीट में चार बीट होता है ना, तो एक ही बार जब फोर बोलेंगे ना, अभी सभी लोग ध्यान से सुनिए, जब फोर बोलेंगे तो लोअर बीट में फोर बीट ही है ना, आपके टूल में जो लोअर बीट है नीचे का उसमें फोर बीट होता है, तो एड फोर बोलेंगे तो एक ही बार में चारों बीट को ऊपर कर देना है। ठीक, या तो हम वन टू थ्री फोर करेंगे, या चार बीट ऊपर करना है तो सीधा ऐसे करके चार ऊपर कर देंगे। ठीक, फोर बीट ऊपर हो गया। अभी सौर्या, एड फोर हो गया, सौर्या का नहीं हुआ है। एड फोर होने के बाद सौर्या एड फोर करो, चलो वन टू थ्री फोर कर दिया, वेरी गुड। हाँ, अभी लेस टू करो, अभी लेस टू करो, लेस टू, लेस टू करो। हाँ, फोर करने के बाद लेस टू करो, वन टू, हाँ। तो कितना बीट बच रहा है ऊपर? कितना बच रहा है? वो हाथ से नहीं, अभी दो बीट ऊपर बच रहा है। ठीक है, दो बीट ऊपर, हाँ दो बीट बच रहा है ना, टू हो गया। अभी फिर एड वन करना है, वन बीट को और अप करो, वन बीट को और अप करो, ऐड वन करो, ऐड। तो ऐड वन करेंगे ना तो कितना होगा? थ्री बीट ऊपर चला जाएगा। फिर से एक बार ऐड वन करेंगे तो फोर बीट चला जाएगा। सौर्या को घर पे प्रैक्टिस कराइए, कब आएगा क्लास में? कोई स्थिर नहीं बैठता है ना, तो इसलिए घर पे इसको डेली पूछना है, 15 मिनट डेली यही क्वेश्चन। अभी इनिशियल में आ जाने से आगे आ जाएगा। अभी रितिका को एक बार और पूछता हूँ। रितिका, एड फोर, रितिका माइक ऑन करो,
माइक ऑन रखियो। माइक ऑन ही है। अच्छा हाँ, तो क्वेश्चन है अभी मैंने क्या बोला था, एड फोर बोला था क्या? हाँ चलो फिर से रितिका, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है? एड टू, एड टू, वन टू, वेरी गुड। प्लस टू, वन टू, प्लस टू, वेरी गुड। हाँ अभी क्या तुम्हारे पास कितना बच रहा होगा बिड बताना? एड टू प्लस टू, फोर, नहीं नहीं फोर नहीं, अभी टू को अप किया था और लेस कर दिया ना, फिर टू को लेस कर दिया तो जीरो हो गया ना, जीरो हुआ, ठीक है? हाँ टूल पे करो ऐड टू और लेस टू करो, टूल पे ऐड टू करो, उसके बाद लेस टू करना है। कितना बिट ऊपर है? ऐड टू लेस टू, क्या हुआ, क्या हुआ? ऐड टू लेस टू, तो बीड ऊपर में कोई टच नहीं है ना, ऊपर कोई नहीं टच है ना, जीरो जीरो, हाँ जीरो, वेरी गुड, जीरो जीरो, हाँ जीरो है। इसके बाद हम करेंगे ऐड फोर फिर से, इसी में क्वेश्चन कंटिन्यू है। ऐड फोर, फोर ऐड करो, अब करो लेस वन, लेस वन, लेस वन, क्या होगा आंसर? आंसर विल बी थ्री, वेरी गुड। अब इसको हाथ से करो फिर से, चलो टूल हटा दो, टूल हटा देना है, हैंड मूवमेंट से करना है, चलो ऐसे मेरे साथ, चलो ऐड फोर, नहीं नहीं ये क्वेश्चन नहीं था ना, ऐड टू था, हाँ ऐड टू करो, ऐड टू, हो गया ऐड टू, वन टू, हाँ अभी लेस टू करो, लेस टू में डाउन कर देंगे, दोनों बीट डाउन हो गया, अब करो ऐड फोर, ऐड फोर करो, वन टू थ्री फोर, हाँ अब करो लेस वन, लेस वन, हाँ तो कितना बीट रह रहा है ऊपर, वही हमारा आंसर होगा, कितना बीट बचा? अभी हमने किया था फोर बीट अप, ठीक है, वन टू थ्री फोर किया था, उसमें से लेस वन किया है, ठीक है ना, तो कितना हुआ? थ्री, वेरी गुड, थ्री, ठीक, ओके वेरी गुड। तनिष्का आ गई है, तनिष्का क्वेश्चन बताएगी, चलो तनिष्का ऐड थ्री, तनिष्का ऐड थ्री, इसका ऐड थ्री करो, चलो उसको करने का मन नहीं है अभी, घर पे बना लेना, ठीक है? ये होमवर्क दे रहा हूं मैं, पेज नंबर 15 और 16 ए बुक, ठीक, ए बुक और बी बुक भी है आपके पास, तो बी बुक भी होमवर्क रहेगा, मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा, ये सभी हैंड मूवमेंट से करना है। ए बुक का पेज नंबर 15 और 16 होमवर्क है, और 14 भी, 14, 15, 16 ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा, 14, 15, 16, और बुक बी का पेज नंबर 13, 14 और 15, ठीक है, ये होमवर्क में रहेगा, मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ मैसेज, उसको देख के बना लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है? तो ये सभी हैंड मूवमेंट से होना है, जो क्वेश्चन हैंड मूवमेंट से समझ में नहीं आता है उसको फिर से टूल लेंगे हाथ में और उस टूल के हेल्प से बनाएंगे, ठीक है? तो ऐसे करना है, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको टूल पे बनाना है, उसी क्वेश्चन को फिर से हैंड मूवमेंट से करना है,
तो ये आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे आता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। घर पे जरूर प्रैक्टिस कीजिए, बिना घर पे प्रैक्टिस के, क्योंकि हम एक सप्ताह बाद क्लास लेते हैं, हाँ तो नहीं हो पाएगा। ओके ओके, बाय ऑल, बाय। ओके बाय बाय, चलिए बाय।